रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे चलकर आपके हर एक मोस्टली चैप्टर में इसका यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इसके बाद ही चैप्टर आएगा TF, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि फंक्शन का यूज हमेशा होता रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चल के जो चैप्टर आएंगे जैसे लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो लिमिट और डेरिवेटिव में फंक्शन का यूज जरूर होगा। ठीक है, आगे प्लस टू में आप जाओगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे भी इसका क्या होगा, यूज होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन में भी क्या होंगे, सारे फंक्शन होंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मे भी फंक्शन के यूज होंगे। और इससे आगे क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन में भी सारा फंक्शन का यूज होगा। और उसके बाद क्या है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि आप जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मोस्टली आपका जो कनेक्शन होगा वो किससे होगा, रिलेशन एंड फंक्शन से, मोस्टली फंक्शन से। ठीक है, आप ग्रेजुएशन में जाओगे या किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करोगे, IIT है, IIT जैम है या जो भी है, ठीक है, ग्रेजुएशन में जाओगे, PG में जाओगे, तो वहाँ पे हर जगह आपको क्या मिलेगा बच्चों, फंक्शन का यूज मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, चाहे वीडियो की लेंथ कितनी लंबी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो आता है वो क्या आता है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम। ठीक है, एक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम, और पेयर माने जोड़ा। ठीक है, दो का पेयर होगा यानी दो का जोड़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं, जो देखो लेट या फिर क्या करेंगे, टू एलिमेंट ए एंड बी, टू एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है, लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है बच्चों, टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि उनका कोई ना ऑर्डर जो है लिस्टेड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हम सेट थ्योरी में लिखते थे एलिमेंट को लिस्टेड फॉर्म में लिखते थे, लेकिन सेट के अंदर क्या होता था, ऑर्डर आगे पीछे हो जाए तो सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आप ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हो तो इसके अंदर क्या होगा, ए और बी का क्या होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, अगर आपने उसके ऑर्डर चेंज कर दिया, पेयर का ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो ऑर्डर उसके इक्वल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी है, ठीक है, अगर इसको आपने ये कर दिया बी ए, ठीक है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब देखो जैसे हम ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं बच्चों, जैसे आपने ये ले लिया 1 2 3, ये ले लिया 1 2 3, ठीक है,
मान लिया ये पेयर ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से एक ले लिया हमने, ये पेयर ले लिया यहाँ से टू और थ्री, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब क्या है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, एक्स एक्सिस का, ठीक है। और जो इसका एलिमेंट है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, यानी कि इस पेयर का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किसका है, एक्स एक्सिस का है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो वाई एक्सिस का, ठीक है। अगर मैं इस, अगर दूसरा पेयर लूँ मैं बच्चों, कौन सा, ए, यहाँ से ये ले लेते हैं थ्री टू, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो यहाँ से, ठीक है। अब क्या है, टू थ्री इज नॉट इक्वल टू थ्री टू, ठीक है बच्चों। लेकिन सेट के अंदर आप टू थ्री और थ्री टू कर सकते हो, ये सेट के अंदर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो एलिमेंट, वो पेयर ही चेंज हो जाएगा, पेयर अलग से पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों, तो ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब क्या है कि इस पेयर का क्या होगा, एक ऑर्डर है, फिक्स ऑर्डर है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। इसके बाद बच्चों देखो, इसके बाद आते हैं हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसमें, इसके अंदर क्या आएंगे, सारे पेयर आएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, देखो, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके, देन द प्रोडक्ट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है बच्चों। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी इज, ए क्रॉस बी क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि ए क्रॉस बी क्या है, सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सब का सेट है। और एलिमेंट कहाँ से आएंगे बच्चों, ए से और बी से, ठीक है बच्चों। तो देखो इसकी डेफिनेशन भी क्या है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगे, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम बिलोंग्स टू ए एंड बी, यानी कि एक्स किसका एलिमेंट मिलेगा बच्चों, ए का, वाई किसका मिलेगा बच्चों, बी का, ओके। इसके बाद क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए सेट ले लिया आपने बच्चों वन टू थ्री, बी सेट ले लिया आपने फोर फाइव और सिक्स, ठीक है। पहले देखो, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, तो ये देखो वन टू थ्री, फिर क्या ले लिया बच्चों आपने, फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब देखो, तो ए क्रॉस बी हम बनाते हैं, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। देखो, तो अब देखो यहाँ से देखना है आपने, फर्स्ट सेट कौन है, ए, और सेकंड सेट कौन है, बी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर पहला जो एलिमेंट आएगा वो ए सेट का आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा, बी सेट का आएगा। तो इसके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ए का एक एलिमेंट पकड़ो जो पहले सेट है, ए का एक एलिमेंट पकड़ा और आपने क्या किया,
वन का फोर के साथ, वन का फाइव के साथ और वन का सिक्स के साथ क्या बना दिया, ऑर्डर्ड पेयर। यानी क्या आएगा बच्चों, वन फोर वन फाइव वन सिक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, टू का क्या करेंगे, टू का क्या करेंगे, वन के साथ भी पेयर, फोर के साथ भी पेयर बना देंगे, टू का फाइव के साथ भी पेयर बना देंगे, टू का सिक्स के साथ भी बना देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से टू फोर टू फाइव टू सिक्स, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, थ्री एलिमेंट बच गया। थ्री का क्या करेंगे, थ्री का फोर के साथ भी बना देंगे, थ्री का फाइव के साथ भी बना देंगे और थ्री का सिक्स के बना देंगे, सिक्स के साथ भी बना देंगे। थ्री फोर थ्री फाइव और थ्री सिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों, यहाँ से देखो ध्यान से कि ठीक है, वन फोर वन फाइव वन सिक्स टू फोर टू फाइव टू सिक्स थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसके अंदर क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए, ए का। जो सेट पहले है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी वही एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए का ही मिलेगा। जो सेकंड पे कौन है, यहाँ पे बी है, तो सेकंड एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, बी का ही मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो चेक कर लो, देखो वन एलिमेंट किसका है, वन एलिमेंट किसका है बच्चों, वन एलिमेंट किसका है बच्चों, ए का, ठीक है। फोर फाइव सिक्स चेक कर लो, फोर फाइव सिक्स किसके एलिमेंट है बच्चों, बी के एलिमेंट है। यहाँ पे देखो टू 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 टू, यानी टू किसका एलिमेंट है, ए का। फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स किसके हैं बच्चों, बी के एलिमेंट है, ठीक है। थ्री थ्री थ्री, यानी थ्री किसका एलिमेंट है बच्चों, ए का। फोर फाइव सिक्स किसका एलिमेंट है बच्चों, बी के, समझ गए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, फर्स्ट एंट्री जो मिलेगी आपको किसके मिलेगी, ए की। सेकंड एंट्री किसको मिलेगी, बी की। यानी कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर में आपको फर्स्ट एंट्री किसकी मिलेगी, ए की, और सेकंड एंट्री किसकी मिलेगी, बी की मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो ये हम ए क्रॉस बी का क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन पर भी बना सकते हैं इसको, देखो कैसे। देखो जैसे आपने इस एलिमेंट का नाम क्या रख लिया, वन टू थ्री, मान लिया यहाँ पे फोर आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, फाइव, फोर फाइव और सिक्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, देखो ये एलिमेंट बनाएंगे, देखो ए, फिर देखो इसके साथ, फिर इसके साथ। तो देखो बच्चों, ये एलिमेंट जो है ना, ये एलिमेंट, अब देखो ये एलिमेंट कौन सा है बच्चों, ये मेरा वन फोर, थोड़ा छोटे अक्षर आएंगे, वन फोर। ये एलिमेंट कौन सा है बच्चों, वन वन फाइव। ये कौन सा एलिमेंट बच्चों, वन सिक्स। ये एलिमेंट कौन सा है बच्चों, टू फोर टू फाइव और टू सिक्स। ये कौन सा है बच्चों, थ्री फोर थ्री फाइव और थ्री और सिक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनको वर्टिकली क्या कर देंगे बच्चों, सबको लिख देंगे। देखो वन फोर वन फाइव वन सिक्स, टू फोर टू फाइव टू सिक्स, थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स, वन फोर वन फाइव वन सिक्स, टू फोर टू फाइव टू सिक्स, थ्री फोर थ्री फाइव थ्री एक्स, समझ में आया बच्चों। तो इसको कार्टेशियन प्लेन पे, क्योंकि ये क्या है, जो ए क्रॉस बी है, हम कार्टेशियन प्लेन पे डिफाइन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो एक सेट तो क्या हो गया, वन टू थ्री, एक क्या हो गया, फोर फाइव सिक्स हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद देखो हम क्या बनाते हैं बच्चों, बी क्रॉस ए और बनाते हैं। देखो यहाँ से, देखो ध्यान से, इसी सेट को ले लेते हैं, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ठीक है। देखो बी क्रॉस ए में क्या करेंगे, फिर देखो अब की बार क्या ले लिया मैंने सीट, अब की बार देखो फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री, फिर वही काम करेंगे। अब की बार फर्स्ट एलिमेंट किसके आएंगे, बी के आएंगे, क्योंकि पहले नंबर पे सेट कौन है, बी है, दूसरे नंबर पे सेट कौन है, ए है, ठीक है।
तो देखो बच्चों क्या करेंगे, एक एलिमेंट बी का पकड़ेंगे और सबके साथ ए के सारे एलिमेंटों के साथ क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे। तो कैसे बनेगा देखो बच्चों, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से क्या आएगा, 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा। सिमिलरली क्या करेंगे, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ। तो देखो 5 1 5 2 5 और 3। सिमिलरली क्या करेंगे, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ। तो क्या आएगा बच्चों, 6 1 6 2 और 6 3। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास क्या आ गया, बी क्रॉस ए। अब चेक कर सकते हो आप, बी क्रॉस ए के अंदर फर्स्ट एंट्री ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, सारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एंट्री किसकी मिलेगी बच्चों, बी की मिलेगी। देखो 4 4 4 4 किसका एलिमेंट है, बी का है। देखो फिर क्या है, देखो 1 2 3 किसका एलिमेंट है, ए का। ठीक है 5 5 5 5 किसका एलिमेंट है, बी का। 1 2 3 किसका एलिमेंट है, ए का। 6 6 6 यानी कि 6 किसका एलिमेंट है, बी का। 1 2 3 किसका एलिमेंट है बच्चों, ए का है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैं एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, जैसे हमने यहाँ पे अभी बनाया था, ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे जैसे यहाँ पे, तो देखो मैंने पहले ही बता दिया है, अभी ऑर्डर्ड पेयर कभी भी, अगर ऑर्डर्ड पेयर का आप, अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 1 है, तो अगर आपने इसका 1 4 बना दिया तो ये क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि भाई ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या होते हैं ये, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये अगर चेंज कर दोगे तो इनकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। ठीक है, 4 1 की पोजीशन कहीं और है। ठीक है, मान लीजिए ले लिया 1 2 3 4, ये 4 है और मान लीजिए ये 1 है। ठीक है, तो ये 4 1 तो यहाँ पर है। ठीक है, और ये क्या है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये क्या हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया, तो ये क्या है देखो, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 4 की पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 और 4। देखो इनकी पोजीशन भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल भी अलग नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 4 1 और 1 4 इक्वल नहीं हो सकते। सिमिलरली 4 2 2 4 के इक्वल नहीं हो सकता, 4 3 3 4 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 1 1 5 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 2 2 5 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 3 3 5 के इक्वल नहीं हो सकता, और 6 1 1 6 के इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली 6 2 2 6 के इक्वल नहीं हो सकता, 6 3 3 6 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया बच्चों, इसका रिजल्ट ये निकल के आया, अगर भी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे आपको, किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे ए क्रॉस बी के अंदर, भाई इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट तो किसका है, ए का, और दूसरा एलिमेंट किसका है बच्चों, बी का। और बी क्रॉस ए के अंदर कैसे एलिमेंट मिलेंगे आपको, ठीक है, कैसे मिलेंगे बच्चों, एक्स वाई टाइप के ही मिलेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका मिलेगा बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और y बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, बिल्कुल अलग अलग हो गए। इसके अंदर क्या है, एक्स वाई टाइप के हैं, इसके अंदर भी एक्स वाई टाइप के हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका है, b का है, और सेकंड एलिमेंट किसका है, a का है। ठीक है, तो इस तरह से a क्रॉस b कैन नॉट बी इक्वल b क्रॉस a। ओके, इसके बाद बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी कैसे हो सकता है, जब फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री इज इक्वल टू सेकेंड एंट्री। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंट्री क्या है इसकी, एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक है, तब क्या कह सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या है, इक्वल है, अगर उनकी दोनों की कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंट्री क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और सेकंड एंट्री के इक्वल हो जाए। तो ऐसे पेयर को क्या बोला जाता है बच्चों, इक्वल पेयर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों, ऑर्डर्ड
ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो ये किस टाइप के होते हैं, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड, और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो ये किस टाइप के एलिमेंट होंगे बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिमिलरली ए क्रॉस बी की तरह है, तो वहाँ पे दो सेट का प्रोडक्ट होता था, तो वहाँ पे दो एलिमेंट होते थे, ठीक है, एक्स वाई टाइप के होते थे, और एक्स बिलोंग्स टू ए होता था और वाई बिलोंग्स टू बी होता था। तो ये क्या होता था बच्चों, ए क्रॉस बी होता था। सिमिलरली क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, यहाँ पे क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, ठीक है। अगर इनकी भी पोजीशन अगर आपस में आपने चेंज करती, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ले लिया, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा अगर आपने 1 3 2 कर दिया, जैसे भी कर दिया, ठीक है। अगर इनके ऑर्डर अगर आपने चेंज कर दिए तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ये किस में काम कर रहा हूँ मैं, थ्री डायमेंशनल में, ये क्या है, थ्री डायमेंशनल, ये क्या है, टू डायमेंशनल, ओके, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल में काम हो रहा है, ये थ्री डायमेंशनल है, ये क्या है, टू डायमेंशनल, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर हम वास्तव में रियल लाइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये भी रियल लाइन है और ये भी रियल लाइन है, ठीक है, तो आप जहाँ भी पॉइंट मारोगे, ये पूरा प्लेन पता है क्या है, आर क्रॉस आर, क्या है ये पूरा प्लेन, आर क्रॉस आर, ठीक है। और हम जानते हैं आर क्रॉस क्या होता है, सी सेट होता है, सी इज ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों, आर क्रॉस आर बनाओगे तो। सिमिलरली अगर आप क्या बनाओगे, आर क्रॉस आर, क्या बन जाएगा ये, आर क्यूब, क्या बन जाएगा, आर क्यूब। तो ये क्या है बच्चों, थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें ये सब कुछ घूम रहा है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। ये क्या है, आर क्रॉस आर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्लेन क्या है, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो ये प्लेन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इसके अंदर क्या है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स, अगर इसका अगर आप आर क्रॉस आर बनाओगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सारे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। अगर 2 3 है तो 2 3 को क्या लिख सकते हो, 2 + 3 आएगा, ठीक है, आगे आपको पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ही सारे के सारे क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी की सारी 2.1 की प्रॉब्लम करें। इसके बाद देखो बच्चों, कुछ और बातें हैं 2 3, देखो, इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड बी इज इक्वल टू 5 मीन्स एम्प्टी सेट, ओके, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे आएगा बच्चों, देखो, मान लिया आपने ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया, और बी क्या ले लिया, बी के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ए सेट में क्या है, 1 2 3, और बी के अंदर क्या है, बी के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब आप ए का बी के साथ क्या बनाओगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी के अंदर क्या आते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएंगे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर कोई एलिमेंट है तो आप किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे बताओ, ठीक है, तो किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे, किसी के साथ भी ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता। इसका मतलब इसके अंदर ए क्रॉस बी के अंदर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों, अगर इफ ए इज इनफाइनाइट सेट,
इनफाइनाइट सेट एंड बी इज ए फाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा बच्चों, ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएंगे, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 3 4 5 अप टू सॉन इन्फिनिटी। बी इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, 1 2 ही ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब ए क्रॉस बी आएगा बच्चों, ठीक है, तो देखो 1 का क्या बनाऊंगा, 1 के साथ बनाऊंगा, फिर 1 का 2 के साथ बनाऊंगा, ठीक है, फिर 2 का 1 के साथ बनाऊंगा, फिर 2 का 2 के साथ बनाऊंगा, लेकिन ये एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो इसका हर एक एलिमेंट का सब पेयर बनाएंगे तो कितने एलिमेंट, कितने पेयर बनेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि ए के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, इनफाइनाइट है, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट का मैं बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनाऊंगा बच्चों, पेयर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट, ठीक है, बी के अंदर कितना है, 2, तो इसके अंदर ए के अंदर जितने एलिमेंट है उससे 2 गुना क्या बनेंगे, उससे डबल क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर भी कितने आएंगे बच्चों, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है बच्चों। ये कुछ रिजल्ट थे, ये आप इसको याद रख सकते हो, ओके। इसके बाद बच्चों देखो, इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी व्हाट, फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू पी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं बच्चों, पी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, पी क्यू, इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू आपने लिया 1 2 3, बी इज इक्वल टू क्या लिया आपने 4 5 6, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आए थे बच्चों, 1 का 4 के साथ पेयर बनाओ, 1 का 5 के साथ पेयर बनाओ, 1 का 6 के साथ पेयर बनाओ, ठीक है, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 फिर क्या कराएंगे, 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, ठीक है बच्चों। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं बच्चों, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं बच्चों, 3 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 9 आ गया, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो ये क्या आ गई हमारी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितने आ गए, 9 आ गए, इस फार्मूले से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या आ गया बच्चों, मान लिया 3 ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्या ले लिया, 0, 0 का मतलब ए क्या है, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर क्या है 1 2 3, और बी के अंदर क्या है, खाली एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो देखो 3 की और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस फाई क्या आएगा बच्चों, फाई आएगा, ठीक है, तो फाई है, तो फाई के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 0 एलिमेंट, 0 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब एक नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है बच्चों, ओके।